सलमान फारसी एक इस्लामिक इन्वायरमेंटल स्कूल है जहां इल्म की रोशनी है, साथ ही CBSE बेस्ड सिलेबस, वेल इक्विप्ड साइंस एंड कंप्यूटर लैब और क्वालिफाइड टीचर्स, सेपरेट गर्ल्स एंड बॉयज सेक्शंस, एम्पल ऑफ प्लेग्राउंड विथ नेचुरल एनवायरमेंट और स्विमिंग पूल फॉर प्री स्कूल, स्पोकन इंग्लिश, नमाज, इस्लामिक सिलेबस फ्रॉम द बिगनिंग। अपने बच्चों को इस्लामिक माहौल और आला तालीम दें। आज ही एडमिशन ले रीजनेबल फीस के साथ। सलमान फारसी स्कूल, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की तामीर। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। नशा की वजह से एक 14 साल के मासूम की जान ले ली गई। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से मुमरा कौसा में नशा फैल रहा है और मुमरा कौसा के नौजवान युवक नशे की चपेट में आ रहे हैं और इसी नशे की वजह से एक दूसरे की जान लेने से भी चूक नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मेहताब मंसूरी, जिसकी डेड बॉडी मुमरा बाईपास से सटकर अंबेडकर पाड़ा के पहाड़ी पर मिला था, मेहताब 6 जून से ही लापता था और 2 से 3 दिन बाद मेहताब की डेड बॉडी बरामद की गई थी। हालांकि डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस ने आशंका जताई थी कि मेहताब की हत्या की गई है और CCTV फुटेज और गोपनीय सूत्रों के अनुसार पुलिस ने जब इस मामले की तह तक पहुंचा तो इस पूरे मामले का आरोपी भी गिरफ्तार हुआ। दरअसल आरोपी जो है वो देवरी पाड़ा का रहने वाला है और मृतक मेहताब मंसूरी ये रेहानबाग का रहने वाला है, लेकिन जो आरोपी है उसका नाम फैज़ सुल्तान मालिम, उम्र 23 साल है। मेहताब और फैज़ की जान पहचान थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि फैज़ नशा करने के लिए अंबेडकर पाड़ा की पहाड़ियों पर जा रहा था और तभी शाम के वक्त मेहताब भी फैज़ से मिल गया। हालांकि फैज़ से जो है मेहताब जिद करने लगा कि वो उसके साथ जाएगा पहाड़ी पर, लेकिन फैज़ मेहताब को मना कर रहा था। उसके बावजूद भी मेहताब जो है वो फैज़ के साथ पहाड़ी पर गया और फैज़ पहाड़ी पर सुलेशन का नशा करने लगा। नशा करते देख मेहताब ने फैज़ को मना किया कि वो नशा ना करे। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में बहस हुई और मारपीट हुई, जिसके बाद फैज़ ने मेहताब को जान से मार दिया, यहाँ तक कि उसके सर पे पत्थर भी पटक दिया था। उसके बाद से ही जो है फैज़ लापता था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक गई और CCTV फुटेज भी खंगाला और गोपनीय आधार पर फैज़ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि फैज़ ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, यानी कि नशा करने की वजह से, नशा रोकने की वजह से 14 साल के मेहताब को फैज़ ने मौत के घाट उतार दिया था। मुमरा पुलिस स्टेशन में आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ACP उत्तम रामचंद्र कोलेकर ने इस हत्या के मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। उन्होंने 8 जून 2024 को आके यहाँ पे कंप्लेंट किया कि उनका मेहताब नाम का लड़का जिसकी उम्र 15 साल थी वो लापता है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे जो कम उम्र के होते हैं, अंडर एज के बच्चे होते हैं, उनकी मिसिंग नहीं ली जाती, उसके डायरेक्ट किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया जाता है। उसके तहत मुमरा पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग का केस रजिस्टर किया था 8 जून को। दूसरे दिन 9 जून को यहाँ पे एक खबर मिली कि अंबेडकर पाड़ा में एक लड़के की डेड बॉडी मिली है, जबकि ये केस में वो लड़का जो मेहताब था वो 6 जून को रात को शाम को 6 बजे से घर से लापता था। तो 2 दिन हो चुके थे, उन्होंने दूसरे दिन आके कंप्लेंट किया था। जैसे खबर मिली कि डेड बॉडी मिली है, मुमरा पुलिस स्टेशन के API चौहान और आपके PI थे पाशोरकर, PI दवने, उन्होंने जाके देखा तो वहाँ पे डेड बॉडी मिली थी, जो बॉडी डिकम्पोज होना चालू हुई थी, इसके लिए वो थोड़ा आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। बाद में जब पता चला कि ये बारे में केस रजिस्टर है तो वो लड़के के भाई को बुलाया गया, जिसकी शिनाख्त की गई तो वहाँ पर पहचाना गया कि वो लड़का मेहताब मंसूरी है जिसकी डेट हुई और जिसके बारे में कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है। उसके कपड़े, चप्पल, ये चीज़ों से उसको पहचाना गया। बाद में वो बॉडी टैग लेके, जैसे कि ऐसे जंगल में बॉडी थी तो हम लोगों का पहला यही होता है कि ये मर्डर है करके, वो हिसाब से हम लोग चलते हैं।
लेकिन मर्डर रजिस्टर करते जब तक उसका पोस्टमार्टम होता है, वो पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आता है उसके ऊपर वो डिपेंड होता है। दूसरे दिन उसका पोस्टमार्टम किया गया जिसमें पता चला कि उसके ऊपर सर पे चोट होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। तब मीनवाइल मुमरा पुलिस स्टेशन के जो डिटेक्शन के स्टाफ है, API कुंभार, API कोरडे, उनका स्टाफ वही वर्कआउट कर रहे थे, वही एरिया के CCTVs देख रहे थे और कुछ टेक्निकल बातें और उनके जो खबरी लोग होते हैं उनसे वो इंफॉर्मेशन ले रहे थे। तब तो उनको पता चला कि ये लड़का जो मृत हो चुका है वो वहाँ के एक लड़के के साथ शाम को वो एरिया में जा रहा था। वो धागा पकड़ के उन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। वहाँ उस एरिया में से 8-10 लड़के को बुलाया गया, सबको वहाँ पर इंक्वायरी की गई और धीरे धीरे ये कोशिश करते करते ये वहाँ पर एक जो जिसने किया था गुनाह वो गुनाहगार के पास हमारी टीम पहुंच गई। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम है फैज सुल्तान मलिम, जिसकी उम्र है 25 साल। ये फैज और जो मयत रहते हैं देवरीपाड़ा में, पहले फैज वो देवरीपाड़ा में रहता था, अभी वो कौसा मार्केट में रहता है। तो एक एरिया में रहने की वजह से पहचान वाले थे। फैज को नशा करने का था और इसलिए वो जा रहा था अम्बेडकर पाड़ा के पहाड़ पर। वहाँ जाते जाते उसको ये मेहताब मिल गए वहाँ पे। मेहताब को उसने मेहताब वो बोला कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ये मना कर रहा था लेकिन फिर भी वो उसके साथ चला। पहचान होने की वजह से वहाँ पे जाने के बाद जब ये नशा करने लगा सॉल्यूशन का, तब इसने बोला कि मैं तेरे घर वालों को बोल दूँगा कि तू ऐसा नशा करता है। तब जाके उन दोनों में हाथापाई हुई, उसने गाली दी और वो गाली में जाके उसने उसका गला दबाया, गले उसमें वो बेहोश हो गया। तब वो फैज को लगा कि ये एक्सपायर हो गया, तो उसने जाके ऊपर उसको लेके गया, ऊपर एक खड्डे में उसको वहाँ पे डाल दिया और कंफर्म करने के लिए उसने उसके ऊपर सत पत्थर मार दिया जिसमें उसकी मौत हो गई है। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? सर आरोपी एक प्राइवेट कंपनी में डिलीवरी में काम करता है। आपराधिक मामला दर्ज है उसके? नहीं, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसमें कोर्ट में पेश किया गया, 10 तारीख को अरेस्ट किया है, 11 तारीख को उसको अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया, तो उसको 15 जून तक उसकी पुलिस कस्टडी मिली है, जो आगे बढ़ा के हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं।